नेक्स्ट सवाल ये है आपके लिए। ये सवाल है कि यदि कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को तय करती है और 40 किलोमीटर की चाल से वापस लौट जाती है, इधर से जाती है 60 से आती है उधर से 40 से जाती है 60 से और रिटर्न इधर से आती है 40 के स्पीड से लौट आती है सेम दूरी। तो इसकी औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है टू एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, ऐसे मसन सा फॉर्मूला है। कहने का मतलब दूर से दोनों चाल को गुना कर देंगे, चाल में गुना कर देंगे और जोड़ करके भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हुआ, एक्स का मान इसको मान लीजिए और वाई का मान जो है इसे मान लीजिए, तो क्या हो गया 2 × 60 × 40 + 60 + 40। तो इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, 2 × 60 × 40 = 60 हो गया और इसे काट देंगे, एक सुना कट गया, तो 6 × 12 = 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया औसत चाल। ये आसान सा सवाल था, इसे याद रखें कि इसके लिए 2 से गुणा करना पड़ता है, सूत्र होता है। थैंक यू। ये क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके लिए कि राहुल गांधी साइकिल द्वारा दिल्ली से अलीगढ़ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौट आता है। इधर से गया 60 किलोमीटर की गति से और उधर से लौट आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो कुल समय लगा 5 घंटे का समय लगा। तो दिल्ली से अलीगढ़ की दूरी कितनी है, दूरी निकालना है। तो इसके निकालने के लिए कुछ नहीं है, इसको पहले दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। तो चाल क्या है, दोनों की चाल एक है 60 एक है 40, तो चाल 60 गुना 40 चाल निकाल देते हैं दोनों का, प्लस 60 प्लस 40 ये टोटल चाल हो गया और गुना समय कितना लगता है, टोटल 5 घंटे का लगता है, आंसर हो गया। तो इसको हल कर लीजिए, तो हो गया 60 गुना 40 और 60 40 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 हो गया गुना 5, ये 0 0 कट गया, तो 6 24 24 25 4 25 20 20 26 120 किलोमीटर आंसर आ गया। तो ये एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है इसे निकालने के लिए। दूसरा तरीका है कि इधर से जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा एक घंटे में 60 किलोमीटर, फिर एक घंटे में 60 किलोमीटर, फिर एक घंटे में 60 किलोमीटर, कितना हो गया 60 किलोमीटर, तो टोटल हो गया कितना 120 किलोमीटर गया। उधर से आया कितना, एक बार 40 आया, हमको आना क्या है रिटर्निंग में 120 आना है, तो फिर एक बार 40 आएगा, फिर एक बार 40 आएगा, जब तीनों को जोड़ेंगे 40 40 तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, मतलब 120 गया 120 आया। तो इधर लग गया इसमें एक घंटा यहाँ, तीन घंटे का समय लगा आने में, 2 घंटे का समय लगा जाने में, टोटल 5 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा। क्वेश्चन बता रहा है 5 घंटे का समय लगा, 5 घंटा मेरा हो गया, तो दूरी कितना गया 120 गया और 120 आया तो 240 आया, लेकिन यहां से पूछ रहा है दिल्ली से अलीगढ़ के बीच की दूरी पूछ रहा है, 120 हो गया, आंसर आपका सही है 120। नेक्स्ट सवाल आपके लिए दोस्तों, यह क्वेश्चन है कि एक बस मुजफ्फरपुर से रक्सौल 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है तथा उसी रास्ते से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौट आती है, यदि वह आपसी यात्रा में 1 घंटा का समय अधिक लेता हो, जाने में जो समय लगता है उससे 1 घंटा ज्यादा समय आने में लगता है, तो मुजफ्फरपुर रक्सौल के बीच की दूरी क्या है। तो इसे निकालने का आसान तरीका 2 तरीका है। एक तरीका है कि दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल कैसे इसका निकालते हैं, तो डिफरेंस बोल रहा है यहां अधिक लगता है, दोनों का डिफरेंस पहले ही बता दिया, ज्यादा कम अधिक बोले तो यह अंतर की बात होता है, अंतर की बात हुआ तो हो गया कितना 50 × 40 / 50 − 10। समय कितना लगता है, समय 1 घंटा अधिक लगता है, 1 से गुना कर दीजिए, तो इसका आंसर आ गया कितना 50 × 40 / 10, इसको काट दिए कितना हो गया 50 × 200 किलोमीटर। एक तरीका यह है निकालने का, दूसरा तरीका है दोस्तों ऐसे सवाल को निकालने का, ये है फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड हम आपको बता रहे हैं कि इसे निकालने का आसान तरीका है कि आप इस दोनों को एलसीएम निकाल दें, आपका दूरी आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम दूरी जो होगा वह आ जाएगा। 50 और 40 का एलसीएम लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 50 40 का एलसीएम होगा 200,
200 किलोमीटर हो गया। दूसरा तरीका यह निकालने का, एलसीएम निकालने के बाद आपका आंसर आ जाता है। Oh, 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 oh